हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आज हम इनकम टैक्स का अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसकी हेडिंग है रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को क्लासिफाई किया जाता है, भाई ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये यूएसए सिटीजन है, ये यूके सिटीजन है, यानी कंट्री से कनेक्ट करके लोगों को देखा जाता है। चाहे हम इंडिया में भी, इवन हम ये तक बोलते हैं कि भाई ये पंजाबी है, जैसे पंजाब का कोई हो तो बोलते तो है ही, चाहे नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। वो चक दे इंडिया में भी आया था कि भाई इंडियन अपने आप को शो करें, बढ़िया है वो बात, लेकिन इस तरह से बोलते तो हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेशन पर्पज़ के लिए हर असेसी को जिसने टैक्स पे करना है उसको हम क्लासीफाई करते हैं बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल है, जो इंडिया में रहता है वो रेजिडेंट और जो नहीं रहता है वो नॉन रेजिडेंट। जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है रेजिडेंट, जो काम नहीं कर रही है वो नॉन रेजिडेंट। तो 99% केसेस में, थोड़ा ज़्यादा भूल गया, से 90% से ऊपर केसेस में तो रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स ऑफिसर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर रहा है, डिसाइड करना ही नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वो बड़ा ऑब्वियस है। बट लेकिन जो लोग इंडिया से बाहर आते जाते रहते हैं, इसी तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंट्रीज में भी काम कर रही हैं, फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, इंडिया में भी काम कर रही हैं, अगर हम उनके एंगल से देखें तो शायद हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन, ये फैसला करना कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए अपना रजिस्टर निकालिए, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई रेजिडेंशियल स्टेटस नीड टू बी डिटर्मिंड। अब क्वेश्चन चाहे तो ना भी लिखें, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लें। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसलिए डिसाइड करते हैं, पहले समझ लीजिए, फिर एक लाइन लिखवा देता हूँ, कि जो इंडिया में रेजिडेंट है वो इंडिया में वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल है। आई रिपीट, जो इंडिया में रेजिडेंट है, यानी जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रेजिडेंट आ रहा है, वो इंडिया में वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल है। यानी कि उसकी इंडियन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी और फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, जबकि जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इंडिया में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, सो दैट इज द रेलेवेंस फॉर डिसाइडिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। तो चलिए अब आप इसके अंदर ये एक लाइन लिख लीजिए, ताकि आपको एक ये पॉइंट मिल जाए हमारे को शुरुआत में पढ़ने के लिए, कि बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या है, राइट। और कंसेप्ट हमारा ये है कि दैट इंडियन रेजिडेंट्स आर टैक्सेबल इन इंडिया फॉर देयर इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, राइट, व्हाइल द नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्सेबल इन इंडिया only for their Indian income। अब यहां पर आपके दिमाग में ये जरूर पॉइंट आ रहा होगा कि जो इंडियन रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम है उस पर इंडिया में टैक्स लग रहा है, तो क्या फॉरेन कंट्रीज में टैक्स नहीं लगेगा? देखिए, एक तो आमतौर पर छोटी मोटी इनकम्स पे नॉन रेजिडेंट्स को वैसे भी एग्जेम्पशन दी जाती है, तो देर इज अ हाई चांस कि इंडियंस की फॉरेन इनकम पे फॉरेन कंट्रीज में टैक्स नहीं लगेगा, या लगेगा तो नॉमिनल रेट पे लगेगा। दूसरी बात, अगर लगेगा भी तो लगेगा, अब इसका क्या इलाज है? अब अगर मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ रेंटेड हाउस में, तो मैं यहाँ का किराया दे रहा हूँ, अगर मैं 10 दिन के लिए चेन्नई में जाके रहना शुरू कर दूँ होटल में, तो मुझे वहाँ का भी रेंट लगता है और यहाँ का रेंट तो चल ही रहा है। तो ये अब नेचुरली, एक आदमी अगर दो कंट्रीज में कमा रहा है तो थोड़ा सा टैक्स तो बढ़ता ही है। बट फिर भी इसमें आगे जाके आप पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जिसमें डबल टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। बट फिर भी आप थोड़ा बहुत मान के चलें कि जब हम फॉरेन कंट्रीज में भी इनकम कमा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अर्न फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वी आर सो रिच, तो प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन तो होता ही है ऑल ओवर वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, इंडिया तो उसको फॉलो करती है। तो जितने भी रिच लोग हैं जो इंडिया में भी पैसा कमा रहे हैं, बाहर भी कमा रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा टैक्स तो ज़्यादा लगता ही है। खैर, तो फिलहाल ये है कि इंडियन रेजिडेंट्स आर टैक्सेबल इन इंडिया फॉर देयर इंडियन इनकम प्लस फॉरन इनकम, वाइल नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्सेबल इन इंडिया ओनली फॉर देयर इंडियन इनकम। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नॉन रेजिडेंट्स की फॉरेन कंट्री में टैक्स लगेगा कि नहीं। अब इस बारे में तो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, आप भी समझते हैं, देर आर मोर देन 200 रादर शायद मोर देन 250 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ऐसे में सबका टैक्स लॉ, मैं फ्रैंकली बोलूँ, मेरे को नॉलेज है तो वो हवा में तीर मारना होगा, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। अब कौन सी इनकम किस बंदे की किस कंट्री में हो रही है उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो बंदा किसी भी कंट्री का अगर इंडिया में कमा रहा है, इंडियन इनकम है, तो ऑब्वियसली इंडिया में उस पर टैक्स लगेगा।
सो इस पर्पज के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन जरूरी होता है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट राइट. चलिए अब आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप. इसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी मत लिखें, इसको सिर्फ सुन लें. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल एंगल से थोड़ा सा बता रहा हूँ. देखिए, जो भी बंदा इंडिया में पैदा होता है वो इंडियन है, जो भी बंदा यूएसए में पैदा होगा वो यूएसए सिटीजन है. ये तो एक ऑल ओवर वर्ल्ड सिस्टम है ही कि बाय बर्थ वी ऑटोमेटिकली गेट सिटीजनशिप. तो सिटीजनशिप तो वो होती है नागरिकता. जो रेजिडेंटशिप है कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं, उसके लिए अभी मैं पढ़ाऊंगा कुछ रूल्स हैं. वही हमारा चैप्टर है बेसिकली कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन होता है. तो रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप डिफरेंट है. सिटीजनशिप इज कनेक्टेड विद बर्थ, जबकि रेजिडेंटशिप जो है वो मोस्टली प्रेजेंस पे डिपेंड करती है कि अगर आप करंट ईयर में इंडिया में प्रेजेंट हो तो आप रेजिडेंट हो, नहीं तो नॉन रेजिडेंट हो. आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज मैं इंडिया में बॉर्न हूँ तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ. आप इंडिया में बॉर्न हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं. लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं और वहीं पर माना रहने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं और वहीं रहते हैं, इंडिया नहीं आते, छोड़ देते हैं इंडिया, कभी दो चार दिन आ गए, दैट्स डिफरेंट, देन यू विल बी ट्रीटेड लाइक नॉन रेजिडेंट दो यू आर स्टिल एन इंडियन सिटीजन. सिमिलरली अगर एक फॉरनर है, किसी भी जापानीज है मान लेते हैं, वो जापान में बॉर्न था, जापानीज है, इंडिया में आ रहा है और वो ऑलमोस्ट पूरा साल इस साल इंडिया में ही काम करता रहा, वट एवर एक्टिविटीज, तो उसको करंट ईयर में इंडियन रेजिडेंट मानेंगे, इंडियन सिटीजन नहीं. ये इन दोनों में डिफरेंस है ना. इसके अलावा इस स्लाइड में अगर आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे तो मैंने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी जिसमें ये पॉइंट सामने आया था कि अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिनके पेरेंट्स इंडिया के थे, अगर वो इंडिया में आकर 7 साल रहें या किसी इंडियन से मैरिज कर लें या अदरवाइज 12 साल रहकर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें तो वो कर सकते हैं. बट अगेन, इनकम टैक्स एक्ट के एग्जामिनेशन पर्पज से ये सारे पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक वैसे ही मैंने ले लिया, ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करने के लिए जरूरत नहीं. एनआरआईज जैसे होते हैं ना, कॉमनली बोलते हैं, तो एनआरआईज कौन है? तो वही है, इंडियन सिटीजन्स या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का बेसिकली ब्रॉडली मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग बाद में बताऊंगा, जो ब्रॉडली मीनिंग है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स कि भाई इंडियंस उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे बेसिकली, है ना. अभी वो बेशक फॉरेन कंट्री में रहते हैं, मान लेते हैं कि कोई कपल फॉरेन कंट्री में सेटल डाउन हो गया, वहाँ उसका बच्चा हुआ, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो माना जाएगा ना, जो है वो वहाँ का सिटीजन क्योंकि उसके बर्थ वहाँ हुआ. तो अगर वो कल को इंडिया में आता है तो उसको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलती है. नेचुरली उसको इंडियन सिटीजन वाली ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती बिकॉज ही इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बट येस ही गेट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हेयर. नाउ नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, वेदर वी हैव टू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच ईयर. इसके बारे में हाँ एक लाइन आप लिख लीजिए, येस, या येस भी मत लिखिए, सिंपल इतना लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट दैट रेजिडेंशियल स्टेटस, मैं इसको लिख भी देता हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिसाइडेड सेपरेटली फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर. रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिसाइडेड separately for each year. ठीक है, residential status is to be decided separately for each year. बस इतना लिख लीजिए. इसमें concept सिर्फ इतना है कि अब ये आप ऐसे जैसे स्कूल में समझिए, स्कूल में अगर कोई बच्चा सपोज 10th क्लास तक हर साल पास होता है तो क्या 11th ईयर में उसको ऑटोमेटिकली पास मान लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, है ना. तो उसको हर साल एग्जाम अपने अलग ही देने पड़ते हैं, तभी उसको उस पर्टिकुलर ईयर के लिए पास माना जाता है. ऐसे रेजिडेंशियल स्टेटस के भी कुछ रूल्स हैं जो हर साल हमें अप्लाई करने होते हैं, और जब वो अप्लाई करके सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तभी उसको हम उस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट का स्टेटस देते हैं. सो इतना अगर आपने एक लाइन लिख लिया तो दैट इज सफिशियंट, दैट रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिसाइडेड सेपरेटली फॉर ईच ईयर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, कैन ए पर्सन बी बोथ रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. नहीं जी, ऐसे नहीं होता है. इसके बारे में भी एक सेंटेंस लिख लीजिए, अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर. अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ रेजिडेंट and non-resident for a particular year.
ऐसा तो होते ही ना, जो आदमी पास है वो पास है, जो फेल है वो फेल है, एक साथ दोनों थोड़ी होता है। आप बोलेंगे सर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट वाला भी जब तक डिसीजन ना हो जाए, डिसीजन कंपार्टमेंट वाले का भी फाइनली यही होता है, वो या तो फिर फेल हो जाता है या पास हो जाता है। तो अल्टीमेटली रेजिडेंशियल स्टेटस भी ऐसा है, या तो बंदा रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। इस बारे में एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 भी है जो कि रीजनेबली ओके ओके है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जाम के हिसाब से इररिलेवेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके ओके है। और ये कि अगर एक पर्सन एक सोर्स के लिए रेजिडेंट हो तो उसको बाकी सोर्सेज के लिए भी रेजिडेंट मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि देर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम PGBP, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा PGBP के लिए, बिजनेस इनकम के लिए नॉन रेजिडेंट हो और सैलरी के लिए रेजिडेंट हो। तो कहने का मतलब यही है, खैर ये मैं इसमें डिटेल में इसलिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा इसकी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। सिंपल इतना ही आप समझ लीजिए, एक लाइन जो मैंने लिखवाई वही सफिशियंट है कि एक आदमी एक पर्टिकुलर ईयर में रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों नहीं हो सकता। उसका डिसीजन तो हमें लेना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस। लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो एक ही होगा, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, दैट्स इट। इसमें इससे ज़्यादा कहानी नहीं है। लेट्स गो अहेड। कैन ए पर्सन बी रेजिडेंट इन टू कंट्रीज साइमल्टेनियसली? अब देखिए इस बारे में मैं बताता हूँ आपको ब्रीफ में, एक पॉइंट थोड़ा सा आगे का बता के मैं आपको इस बारे में क्लैरिटी देता हूँ। जहाँ तक इस पॉइंट का सवाल है, आप इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको इंडियन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फॉरेन कंट्रीज का टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि मैं एक रूल बनाता हूँ कि जो भी आदमी इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा रहेगा उसको मैं इंडिया का रेजिडेंट मान लूँगा। ये रूल मैंने आपको ब्रॉडली बताया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। फिर से रिपीट करूँ, अगर एक आदमी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज़्यादा है इंडिया में तो उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। ये ब्रॉड है, इसको दिमाग में रखना, लिखना नहीं कॉपी में, कॉपी में मैं लिखवाऊंगा टेक्निकल वर्जन। लेकिन हो सकता है फॉरेन कंट्री ये कहे कि अगर कोई आदमी 1 महीने भी रहेगा तो हम रेजिडेंट मान लेंगे। अब डेफिनेटली वी कैन नॉट से ना कि भैया हमने इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा तो तुम भी वही लिखो। हर कंट्री के रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में यही कहा जा सकता है कि यस इट इज पॉसिबल दैट ए पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन टू कंट्रीज साइमल्टेनियसली। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई ब्रॉडर कंक्लूजन नहीं निकलता कि अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली फॉरेन कंट्रीज में नॉन रेजिडेंट हो गया, या कोई फॉरेन कंट्री में रेजिडेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट इंडियन कंट्री में ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो गया। ऐसा कोई भी कंक्लूजन आप निकाल नहीं सकते। अल्टीमेटली हमें हर साल इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इंडियन रेजिडेंटशिप का डिसीजन सेपरेटली ही लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस, राइट? तो यहां पर भी सिर्फ एक लाइन में आपको लिखवा रहा हूं, उतना ही लिख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशियंट, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। चलिए नाउ एक सेंटेंस जो मुझे इसमें आपको लिखवाना है बस वो इतना ही है कि अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव थ्रू दिस स्लाइड, दैट ए पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, इट इज सिंपल, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है। जहां तक रेजिडेंट इंडिविजुअल्स का सवाल है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो रेजिडेंट होते हैं ना, इन रेजिडेंट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। रेजिडेंट को हम क्लासीफाई करते हैं ROR एंड NOR में। मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देखिएगा कि जो रेजिडेंट होता है उसको हम ROR NOR में क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता जो पास होता है उसको फर्स्ट डिव सेकंड डिव थर्ड डिव कर देते हैं, वहाँ तो 3 डिवीजन्स हैं। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि हम रेजिडेंट को 2 कैटेगरीज में डाल रहे हैं, ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एंड NOR इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, राइट? अब इस चीज़ को मैं एक आपकी कॉपी में अलग से लिखवाता हूँ, इसको आप नोट कीजिए जिस स्टाइल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें आप लिखिएगा An individual can be either resident or non-resident. ये तो हर एक में ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। An individual can be either resident or non-resident. फिर आगे लिखिएगा, resident is further
क्लासिफाइड रेजिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ये भी कंपलसरी है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके हिसाब से इसका फर्दर क्लासिफिकेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कंपलसरी है. रेजिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और दूसरी इसमें कैटेगरी आती है रेजिडेंट बट नॉट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट आई एम सॉरी, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. इसमें जो ये पहला वाला है इसको ब्रीफ में हम बोल देते हैं आर ओ आर, एग्जाम में हो सके तो अवॉइड ही कीजिएगा, नहीं तो पूरा फॉर्म लिखने के बाद बेशक ब्रैकेट में आप शॉर्ट फॉर्म लिखें. और दूसरा होता है एन ओ आर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. सो मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ, इंडिविजुअल को इसको आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, एन इंडिविजुअल कैन बी आइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बट अ रेजिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, आर ओ आर एंड एन ओ आर. और नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट है ही. इसका मतलब ये अब आप जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिखना नहीं है, इसका मतलब हमारे पास तीन कैटेगरीज फाइनल में आंसर में आएंगी, एक होगा आर ओ आर, या फिर आएगा एन ओ आर, या आएगा एन आर नॉन रेजिडेंट. ये तीन में से एक क्लासिफिकेशन हमारा फाइनली एक इंडिविजुअल के केस में होगा, या तो वो आर ओ आर होगा या एन ओ आर होगा या एन आर हो. क्योंकि रेजिडेंट अगर है तो रेजिडेंट को तो हम फर्दर क्लासिफाई कर ही रहे हैं आर ओ आर एन ओ आर में, बट एन आर है, नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट है ना. अब जो फेल हो जाता है उसमें थोड़ी करते हैं ये फर्स्ट डिव से फेल हुआ, ये सेकंड डिव से फेल हुआ, फेल तो फेल है, पास वाले में हम डिविजन्स करते हैं. उसी स्टाइल से रेजिडेंट में तो आर ओ आर एन ओ आर का डिविजन है, नॉन रेजिडेंट तो सिंपली नॉन रेजिडेंट है. यानी कि जब भी आपके एग्जाम के अंदर थ्योरी क्वेश्चन आता है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और हम डिस्कशन करते हैं अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो या तो आपको लेना है आर ओ आर या लेना है एन ओ आर या एन आर, ये तीन में से एक आंसर आएगा. वो पूरा डिस्कशन कैसे करना है कैसे नहीं करना जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. खैर अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, और बाकी जो ये जो डिवीजन है आर ओ आर एन ओ आर का, ये सिर्फ यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है. जहाँ तक पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज वगैरह का सवाल है उसमें तो बस रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ही होता है. ये बात खैर मैं आपको रिपीट भी करूँगा जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड कंपनीज पढ़ेंगे. चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं डिस्कशन हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी लिखवाऊंगा अभी, कि एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ये बात बता चुका हूँ इसलिए मैं अभी स्लाइड पे मूव कर जाऊँगा, और यहाँ पर भी बताया हुआ है कि उसको जो रेजिडेंट है उसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा आर ओ आर एन ओ आर में. अब रूल्स क्या हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ही एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट तब मानेंगे जब वो वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है. अभी थोड़ा पेशेंटली सुनिएगा, लिखने की जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम एंड आई विल डिक्टेट माई सेल्फ वॉट इज टू बी रिटन, राइट. अभी ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट. इस बात का फैसला करने के लिए बेसिक कंडीशन है दो, अगर एक सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, और एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो नॉन रेजिडेंट मानेंगे. जब रेजिडेंट का फैसला हो जाएगा तब एडिशनल कंडीशंस चेक की जाएंगी ये डिसाइड करने के लिए कि वो आर ओ आर है या एन ओ आर है, वो बाद की बात है. अभी फिलहाल इतना समझेंगे कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का फैसला कैसे होगा, और जैसा मैंने बताया ये डिपेंड करेगा किस पे, बेसिक कंडीशंस पे. तो बेसिक कंडीशंस क्या है उसके लिए हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड. बेसिक कंडीशंस हैं कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी प्रेजेंस है 182 डेज. आपने ध्यान दिया होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर कोई बंदा इंडिया में रेजिडेंट है 6 महीने या उससे ज़्यादा, अब आप देखते हैं साल में 365 दिन होते हैं 12 महीने होते हैं, अगर उसको हम आधा कर दें तो 182.5 आता है, यानी प्रैक्टिकली वही करीब 6 महीने हो गया. बट हम एग्जाम में इस तरह से नहीं लिख सकते कि दैट इफ़ ए पर्सन इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स और मोर, वी हैव टू राइट दैट इफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. अगर एक आदमी करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो हम उसको रेजिडेंट मानते हैं. अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं. ये ध्यान दीजिएगा कि मैं इसमें वर्ड और है और इस और वर्ड को मैं और बड़ा कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं दूसरी कंडीशन नीचे पढ़ा रहा हूँ इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो. अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि एज द फर्स्ट बेसिक इज सेटिस्फाइड ही इज़ रेजिडेंट, सो सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट रेलिवेंट. खैर लेकिन अगर किसी की प्रेजेंस 182 डेज से कम है
तो भी उसका फाइनली आंसर नॉन रेजिडेंट नहीं डिसाइड हो जाता। उस सिचुएशन में हम फिर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें उसकी प्रेजेंस 60 दिन हो, 60 डेज। देन वी ट्राई टू चेक दैट हिज प्रेजेंस इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इज 60 डेज और मोर। जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस बंदे की प्रेजेंस जो है वो 60 डेज और मोर, यानी कि ये तो बिल्कुल बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। जैसे कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं ना जिनमें मिनिमम 40 चाहिए, अगर 39 भी आ गया तो फिर, तो वैसे ही 60 जो है ये मिनिमम है। एक आदमी मिनिमम 60 डेज यानी करीब 2 महीने मिनिमम वो इंडिया में रहे, चाहे टुकड़ों में रहे, कभी 15 दिन कभी 20 दिन, मतलब साल भर का टोटल 60 डेज मिनिमम आना चाहिए। अगर उतना भी नहीं है फिर कुछ नहीं होगा। और फिर अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, फिर एंड, मैं यहाँ पर इसको भी बोल्ड कर रहा हूँ और अंडरलाइन भी करता हूँ इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। दूसरी जो कंडीशन है उसमें पहले तो एक तो ये कि रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें उसकी प्रेजेंस हो 60 डेज और मोर, और साथ में जो पिछले 4 साल थे प्रीसीडिंग 4 ईयर्स उसमें उसका टोटल होना चाहिए 365 डेज और मोर। ऐसा अगर है तो माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, आप इसका हेडिंग बनाइएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन लिखिएगा इसका, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। मैं बहुत कम सेक्शंस आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन तो सारे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत कम ऐसे सेक्शंस होंगे जिन पे मैं आपको याद करने के लिए थोड़ा प्रेशर डालूंगा, क्योंकि देखिए ऐसा करते करते भी हम देखेंगे कि कम से कम जाके 100 सेक्शंस हो गए जिनके ऊपर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। टोटल सेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन करीब 80 से 100 सेक्शंस आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लर्न हो जाएंगे, राइट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में सेक्शन है 6 सबसेक्शन 1, लिखिएगा, एज पर दिस सेक्शन एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड लाइक रेजिडेंट इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इफ ही इज प्रेजेंट, ऐसे करते हैं इसको कंडीशन स्टाइल में लिखते हैं, इफ ही सेटिस्फाइंग एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस। ये जैसे मैंने किया ना बीच में स्टाइल कैप्स में लिखना शुरू कर दिया, आप भी एग्जाम में इस तरह से लिखिए, बेटर लगता है। अंडरलाइन करना, बोल्ड कर देना, बोल्ड करना तो ऑप्शन नहीं होगी, पेन तो वही आपके पास, तो एटलीस्ट उसको फिर कैप्स में लिख दिया, टीचर माइंड नहीं करेगा, जितने प्रेजेंटेशन अच्छे चलेगा। ये नहीं कि उसको आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होकर भी सजा रहे हैं उस चीज़ को, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर वे में तो लिखा ही जा सकता है। सो एज पर दिस सेक्शन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड लाइक रेजिडेंट इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इफ ही सेटिस्फाइंग एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। द फर्स्ट वन इज दैट ही इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 days or more, that is the first condition. Then second is or he is present in India for 60 days, jaise maine abhi padhaya tha aapko, 60 days or more in the relevant financial year, एंड को फिर आप कैप्स में लिख सकते हैं ताकि एकदम स्ट्रेस आए, एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल के हिसाब से एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी आपको डिक्टेट करना चाह रहा हूं। तो बहुत सिंपल है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि एक बंदे को हम रेजिडेंट तभी ट्रीट करेंगे जब वो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे, और पहली कंडीशन है कि वो इंडिया में प्रेजेंट हो 6 महीने यानी 182 डेज और मोर, और अगर ये नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे दैट ही इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, एंड पिछले 4 साल में 365 दिन वो इंडिया में होना चाहिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड स्लो है, अभी तक नहीं लिख पाए हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को पॉज कर दें और इसको बिल्कुल ध्यान से साफ सुथरा सही सही लिखें। खैर, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इसके अंदर है स्पेशल पॉइंट्स। यस, अब ये जो बेसिक कंडीशंस मैंने पढ़ाई इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हम लेंगे।
ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आप यहीं से लिख लें। जैसे सबसे पहला है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्टे शुड बी फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड, बस इतने ही आप लिख लीजिए स्पेशल पॉइंट्स हेडिंग डाल के। मैं इसको रेड में कर देता हूँ, इस पीरियड को, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले भी, कि जो 182 डेज की प्रेजेंस है या 60 डेज की प्रेजेंस है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो जरूरी नहीं कि एक साथ हो। अब हो सकता है एक आदमी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया 20 दिन के लिए, फिर आया 25 दिन के लिए, फिर आया 40 दिन के लिए, तो पूरे साल में उसने जितना भी दिन इंडिया में स्टे किया उस पीरियड को हम ऐड करके देखते हैं। वैसे भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मैंने आपको सेंटेंस डिक्टेट किया था वो था 182 डेज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। इन ए फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है, एक पूरा साल। कैलेंडर ईयर की मैं बात नहीं कर रहा जो जनवरी दिसंबर चलता है, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ जो अप्रैल से मार्च में चलता है। उस पूरे साल में टोटल 182 आना चाहिए, या 60 दिन वाली कंडीशन चेक करें तो पूरे साल में अगर 60 दिन है तो वो उतना वाला पोर्शन जो है वो कंडीशन का सेटिस्फाइड माना जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्पेशल पॉइंट, इसको भी आपने लिख लेना है, स्पेशल पॉइंट नंबर वन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी ओनली एट वन प्लेस, ऑब्वियसली। अब वो मान लेते हैं एक बार आया दिल्ली में, अगली बार आया चेन्नई में, तीसरी बार आया बैंगलोर में, चौथी बार आया अहमदाबाद, है ना, राजकोट, सियालकोट। अब बड़ा आदमी है, अब मैं पूरे साल इंडिया में ही रहता हूँ तो मेरा तो स्टेटस रेजिडेंट ही है ना, 182 की क्या बात है, 365 में से 365 दिन ही सपोज मैं इंडिया में हूँ तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिकली रेजिडेंट है। और एक फॉरनर जो इंडिया में कभी आता ही नहीं उसके बारे में क्या डिसाइड करना, वो तो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट है। अब हम बात ही बड़े लोगों की कर रहे हैं एक तरह से, जो फॉरेन कंट्रीज में हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया में फॉरेन कंट्रीज में हैं, आते जाते रहते हैं, और 10-20 दिन के लिए अगर आप घूमने जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनका बिजनेस है, जो इंडिया में बिजनेस के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उनका बिजनेस सिर्फ दिल्ली में ही होगा या सिर्फ बैंगलोर में ही होगा या सिर्फ मुंबई या कोलकाता में ही होगा। सो व्हेन दे विल बी विजिटिंग इंडिया, दे मे बी विजिटिंग द डिफरेंट सिटीज। सो इसलिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 182 डेज की जो प्रेजेंस हमने काउंट करनी है वो दैट शुड बी एट वन प्लेस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। सो आपने जो नोट डाउन करना है इसमें से वो सिर्फ इतना ही है, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी एट वन प्लेस, राइट। चलिए ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमने अराइवल जो डेज काउंट करने हैं उसमें जो आने वाला दिन है और जो जाने वाला दिन है वो दोनों लेने हैं। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको यहां पर लिखवा देता हूं, इसको आप नोट डाउन करेंगे दैट वाइल, इसको नोट कीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट है ये, वाइल कैलकुलेटिंग द प्रेजेंस, वाइल कैलकुलेटिंग द प्रेजेंस वी हैव टू टेक बोथ डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर एक आदमी मान लेते हैं 5 जून को आया, सपोज ही केम टू इंडिया ऑन 5th of June एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 7th of June, देन हमें 3 दिन काउंट करने हैं, 5 डे ऑफ अराइवल भी लेंगे, 6 तो वो पूरा दिन था ही, 7 इसका डे ऑफ डिपार्चर, तो वी हैव टू काउंट इट एज 3 डेज। वो बात अलग है कि अगर टाइम की इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी हो फिर तो ऑब्वियसली 24 घंटे को एक दिन माना जाएगा और फ्रैक्शन ऑफ डे इग्नोर करना है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी मैं एक इसमें ऊपर ही करके मैं नीचे इसको ऐड करा देता हूँ। हाँ, यहीं पर आप नोट कर लें, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम इज गिवन, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम इज गिवन, ये बीच बीच में ना ऑटो रिकवर करने लगता है फाइल को, उसकी वजह से ये गायब हो जाता है। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम इज गिवन देन प्रेजेंस ऑफ 24 आवर्स विल बी टेकन एज 1 डे। वो तो फिर है ही ना, अगर पूरा टाइम की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिए कितने बजे इंडिया में लैंड किया, कितने बजे यहाँ से डिपार्ट किया फ्लाइट ने या शिप ने, वट एवर, तो वी हैव टू टेक 24 आवर्स एज 1 डे, है ना। एंड फ्रैक्शन ऑफ डे, फ्रैक्शन तो बची जाएगा ना, हो सकता है कि वो 3 दिन 5 घंटे रहा हो, तो फ्रैक्शन ऑफ डे इज इग्नोर्ड, फ्रैक्शन ऑफ डे इज इग्नोर्ड। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट जो स्पेशल पॉइंट मैंने बताया वो ये कि जब हम अपनी प्रेजेंस काउंट करेंगे तो डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर दोनों हमने लेके चलना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में टाइम की इन्फॉर्मेशन दी हो तो हमने 24 आवर्स को ही एक दिन लेके चलना है और फ्रैक्शन ऑफ डे को इग्नोर करना है, राइट। चलिए
अब इसी कंसेप्ट के ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने इसमें दिया है कि 10 मई को 3 बजे आया, 15 मई को 8 बजे गया। तो अब इसमें जो टोटल अगर हम देखें तो 10th को, क्योंकि 3 बजे आया रात के 12 बजे दिन खत्म होता है, तो एक तरह से 9 घंटे रहा, 11 से 14 पूरा रहा, और 15 को 8 बजे गया शाम को, तो सवेरे के 12 घंटे और 8 20 घंटे हो गए। तो टोटल मिला के मैंने कैलकुलेट करके दिखाया 125 घंटे बन रहे हैं। इसको मैंने फिर फ्रैक्शन में तोड़ा है तो 5 days and 5 hours आ रहा है। तो 5 hours इग्नोर हो जाएंगे, 5 days उसकी प्रेजेंस काउंट हो जाएगी। इट इज सिंपल। आगे बढ़ेंगे, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ले लिया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत ईजी है कंसेप्ट। आगे लेंगे इसको अब हम। नेक्स्ट इज अ प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। अ प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, देखिए जैसे आपने कौन सी मूवी देखी होगी, मूवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, तो उसमें रामेश्वरम की बात हुई थी, तो वो दिखाया था ना मैप में कि एक एक्सट्रीम पॉइंट है, उसके बाद फिर सी है। तो एक्चुअली इंडिया का जो लोअर पोर्शन है, पूरा सदर्न इंडिया, काफ़ी सारा वेस्टर्न इंडिया भी, इवन सम पोर्शन ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी, इसमें चारों तरफ फिर वाटर ही वाटर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम बिल्कुल ज़मीन पे खड़े हैं लास्ट पॉइंट पे तो इंडिया है, अगर माना हम पानी के अंदर एंटर कर जाएं तो क्या इंडिया ख़त्म हो गई, या अगर नहीं हुई तो कितनी देर तक इंडिया चलती है। तो उसके बारे में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि जो इंडिया की टेरिटोरियल टेरिटरी है, यानी जहाँ तक वो प्रॉपरली इंडिया है, पूरा कंट्रोल है इंडिया का ज़मीन से लेकर आसमान तक जिस पोर्शन पे, वो एरिया कहलाता है 12 नॉटिकल माइल्स। यानी इनका ये अपना नापने का तरीका है। सो 12 नॉटिकल माइल्स, मैंने इसको सिंपल में भी दिया हुआ है, 1 नॉटिकल माइल होता है 1.1515 माइल्स या 1.852 किलोमीटर्स, राइट। यानी कि करीब 2.25 किलोमीटर जो है वो 1 नॉटिकल माइल होता है, और 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है ये आपका काउंट होता है। मैं एक बार अपना कैलकुलेटर निकाल के इसको चेक करना चाहता हूँ, तो 12 × 1.852 इट इज़ आ रहा है 22.22 किलोमीटर्स। तो यानी कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो 22.22 किलोमीटर्स तक, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, वहाँ तक पानी भी इंडिया माना जाता है। तो इंडिया के पास पूरे सॉवरन राइट्स होते हैं, उसमें ऊपर भी अगर कोई वहाँ से गुजर रहा है या नीचे पानी में भी अगर कुछ है तो वो सारा इंडिया है। उसके बाद भी इंडिया की जो है वो पावर रहती है, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो सब चीज़ें मैं बाद में समझाऊंगा जब कस्टम्स कभी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट के लिए इतना समझ लीजिए कि 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर्स तक अप्रॉक्सीमेटली इंडिया ही रहता है। तो इसका मतलब अगर वहाँ पर भी किसी की प्रेजेंस है, मान लेते हैं कोई वहाँ पर कोई आइलैंड डेवलप किया गया है फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन या मे बी इट कैन बी फॉर टूरिज्म पर्पस, तो वहाँ पर अगर कोई इस तरह का पानी के अंदर कोई होटल या कोई इस तरह का आइलैंड डेवलप किया जैसे मैंने कहा, तो वहाँ जो लोग हैं वो भी इंडिया में ही माना जाएगा, एंड दैट प्रेजेंस इन टेरिटोरियल वाटर्स शैल बी ट्रीटेड लाइक ए प्रेजेंस इन इंडिया। तो ये पॉइंट भी आपने प्लीज़ नोट करना है, नोट डाउन कीजिएगा रजिस्टर में एज ए स्पेशल पॉइंट जो हम नोट कर रहे हैं, दैट अ प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स शैल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रेजेंस इन इंडिया, राइट। अ प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स शैल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रेजेंस इन इंडिया। आई होप इट इज ईजी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और एक दो पॉइंट्स बताएं जो कि आपको कोई खास लिखने की जरूरत नहीं है, कि ओनली फिजिकल प्रेजेंस इज रेलिवेंट, उसकी इंडिया में कितनी एसेट्स हैं कितनी नहीं वो रेलिवेंट नहीं है। साथ में रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिली मेंबर भी रेलेवेंट नहीं होता। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ए का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करो, तो फिर वो मिस्टर ए का ही हमें सॉल्व करना है, उसमें मिसिज ए का या उनके फादर का या और किसी फैमिली मेंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस रेलेवेंट नहीं होता। और आदमी इंडिया में कब आया कब गया उसका रिकॉर्ड उसको खुद ही रखना होता है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। ड्यूटी ऑफ असेसी टू फर्निश पर्टिकुलर्स, यानी कि ये असेसी की ही ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर को बताए कि वो इंडिया में कब आया कब गया, ये सारे फैक्ट्स उसको खुद ही अपने पास मेंटेन करने होते हैं। चलिए अब मैं जा रहा हूँ दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर कि जो बंदा इंडिया में रेजिडेंट है, जैसे मैंने पहले बताया 2 बेसिक कंडीशन है, जिसने दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की वो तो नॉन रेजिडेंट हो गया, उसका चैप्टर तो क्लोज। लेकिन जिसने एक कंडीशन भी पूरी कर दी वो हो गया रेजिडेंट। अब रेजिडेंट अगर हो गया तो फिर हमें उसको डिसीजन लेना था आरओआर एनओआर, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें सब कुछ यहां पर ध्यान से लिखा गया, बट फिर भी पहले मैं बोलूंगा आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको इस स्क्रीन पर जो कुछ भी इस स्लाइड में लिखा है वो दिखाऊंगा, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में इसको लिखवा भी दूंगा, देयर इज नथिंग टू वरी। बट पहला काम है इसको सुनिए।
एक बंदा अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है रेजिडेंट की, तो ही हमें एडिशनल कंडीशंस चेक करनी है. कौन से सेक्शन की हैं ये? ये सेक्शन जो है इसका वो है सेक्शन 66A. क्वेश्चन सीधा दिमाग में आता है, सर याद करना है, कर लो तो बेहतर है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है. ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो चलेगा. अब इस सेक्शन के अंदर दो एडिशनल कंडीशंस दी हैं, ध्यान से सुनिए. पहली कि वो पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 2 सालों में रेजिडेंट हो. ये वैसा है कि जैसे हम आपको कोई स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले 10 सालों में से कम 2 सालों में आपने फर्स्ट डिवीजन लियो, कुछ भी ऐसा समझ लीजिए. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पहली एडिशनल कंडीशन क्या होगी कि पिछले 10 सालों में से कोई भी दो, पहले दो, बीच के दो, एनी टू, मतलब थर्ड और सेवन्थ, एट्थ और फिफ्थ, एनी टू, उनमें आपका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट का होना चाहिए. एंड दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है कि पिछले 7 सालों में आपकी जो प्रेजेंस है वो 730 डेज और मोर होनी चाहिए. याद होगा आपको बेसिक कंडीशन में हमने चेक करते वक्त देखा था कि पिछले 4 साल में आपकी जो प्रेजेंस है वो होनी चाहिए 365 डेज और मोर, ठीक है ना. लेकिन यहां पर हम चेक कर रहे हैं पिछले 7 साल, एडिशनल कंडीशन है ये, बेसिक नहीं है. तो एडिशनल में हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो लास्ट के 7 साल हैं, पिछले 7 साल, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से पिछले, तो उन पिछले 7 सालों में आपका जो टोटल प्रेजेंस है वो आना चाहिए 730 डेज और मोर. ये दो हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं, राइट. मैं इसको जैसे मैंने कहा लिखवा भी दूंगा, डोंट यू वरी. तो यहाँ पर उसी चीज़ को समझाया गया है और बाकी चीज़ें बताई हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस चीज़ को लिखवाना चाहता हूँ. तो यहाँ पर मैं एक नई स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ, लिखिएगा हाउ टू डिसाइड, या सिंपल लिख लीजिए डिटर्मिनेशन, या डिटर्मिनेशन नहीं, क्लासिफिकेशन लिखे, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंट इनटू आरओआर एंड एनओआर. इसके बारे में लिखिएगा, इफ अ रेजिडेंट, मैंने पहले ही रेजिडेंट वर्ड यूज कर लिया क्योंकि रेजिडेंट नहीं होगा तो हम उसके लिए पढ़ ही नहीं रहे बेसिकली. इफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइंग, इफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस, इसमें याद रखना दोनों ही करनी पड़ती हैं, बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस, देन ही विल बी ट्रीटेड लाइक आर ओ आर. क्लियर. इफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस, देन ही विल बी ट्रीटेड लाइक आर ओ आर. व्हाट इज द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन? ही इज रेजिडेंट, he is resident for at least 2 out of last 10, he is resident for at least 2 out of last 10 financial years or previous year, out of last 10 previous years, that is the first additional condition. And the second one se main pehle beech mein and likhna chahta hu kyunki isme dono hi ek sath satisfy karne zaruri hai. And it is, he is present in India for at least 730 days, at least 730 days in the last 7 previous years, जो पिछले 7 साल थे उसमें कम से कम उसने 7 साल इंडिया में, 7 सालों में 730 days कम से कम उसने जो है वो इंडिया में रहा हो, 730 days. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if a resident individual is satisfying both of the following additional conditions, then he will be treated like ROR. Pehla, he is resident for at least 2 out of last 10 years. Aur dusra, last 7 saalon mein, in the previous 7 years, he is in India for at least 730 days. Yahan pe note kijiyega. Note, if he is not able to satisfy, if he is not able to satisfy any one of the additional conditions, then he will be treated like NOR. ठीक है, अगर वो एक भी कंडीशन में फेल हो जाता है, पिछले 10 सालों में से 2 में उसका रेजिडेंटशिप और पिछले 7 सालों में 730 दिन की प्रेजेंस, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू ट्रीट हिम लाइक NOR. सो ये है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजंस, राइट. अब मैं इसको और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवाना चाहता हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपके समझने के लिए है.
और समझने के लिए कहानी क्या है कि जो मैंने आपको पढ़ाया बेसिक कंडीशंस, तो बेसिक कंडीशंस क्या थी पहले की, दैट ही शुड बी अवेलेबल इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 60 दिन जो है वो करंट ईयर में हो और 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स, ये बात हुई हमारी, राइट। अब हम बात करेंगे एडिशनल कंडीशंस की। एडिशनल कंडीशंस में हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहली एडिशनल कंडीशन बताई दैट ही इज रेजिडेंट फॉर एनी टू आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स, ये लिखना है, ढीला मत पढ़िएगा, एंड ही इज प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स, राइट। ये अगर आपने लिख लिया तो आपको कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, बेसिक कंडीशन हो गई 182 डेज और मोर और 60 प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। एडिशनल कंडीशन क्या है, लास्ट 10 में से कोई 2 में रेजिडेंट और लास्ट 7 में से 730 दिन की प्रेजेंस। अब मैं आपको बताता हूं जो ROR है वो कौन होता है। ROR होता है वो आदमी जो कि एटलीस्ट, मैं इसको एटलीस्ट वर्ड कर देता हूं, उसके मैं लिख देता हूं 1 बेसिक प्लस 2 एडिशनल, यानी कि जो दोनों एडिशनल सेटिस्फाई कर रहा है एक बेसिक के साथ वो होगा ROR। NOR कौन होगा, NOR होगा जो 1 बेसिक तो कर रहा है लेकिन एडिशनल क्या कर पाया, वो एक ही कर पाया, 1 एडिशनल। ध्यान देखिएगा, NOR कौन है जो एक बेसिक और एक एडिशनल कर रहा है। अब यहां पर पॉइंट ये भी आता है कि अगर माना एक बंदे ने एक बेसिक तो कर दी करंट ईयर में तो था, पिछले सालों में नहीं था, एंड 0 एडिशनल, इस सिचुएशन में भी NOR ही रहेगा क्योंकि नेचुरली जिसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी वो एक बार रेजिडेंट तो बन ही गया ना। अब वो रेजिडेंट बन चुका है तो अब दोबारा से नॉन रेजिडेंट तो हो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब अगर वो दोनों एडिशनल सेटिस्फाई करता है तो ROR, एक करता है तो NOR, अगर एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब भी वो एटलीस्ट NOR तो रहेगा। और हमारा लास्ट है NR का, तो NR कौन है जो कि 0 बेसिक कर रहा है, यानी कि जो बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा उसको हम नॉन रेजिडेंट ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद तो कुछ नहीं बचता, फिर भी मैंने आपको हमेशा से ये बात कही है कि वीडियो क्लासेस से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ अगर फिर भी मन करता है, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 20 सालों से फेस टू फेस क्लासेस भी ले रहा हूँ, बच्चे कई बार मैंने देखा हेजिटेट करते हैं पूछने में, यहाँ तो हेजिटेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको अगर कोई भी चीज़ रिपीट करनी है द बिगेस्ट एडवांटेज इज सिंपली आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से सुनिए। कोई भी चीज़ ठीक से कॉपी में लिखने से रह गई तो दोबारा लिख लीजिए, कम से कम जल्दीबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यू नो, मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता आपको डिमोरलाइज करने के लिए कि किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली फेल होते हैं या कम मार्क्स लाते हैं। मेन चीज़ क्या है कि जितना भी आप पढ़ो, और वैसे भी इनकम टैक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए सारी ज़िंदगी काम आने वाली है। ये वैसे तो है नहीं कि बस एग्जाम खत्म कर लिया और उसके बाद शायद वो सब्जेक्ट आगे कभी काम ही ना आए, है ना। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एवर चेंजिंग है, एवर ग्रीन है और सारी ज़िंदगी आपको काम आएगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट की नींव को बहुत मजबूत करना है और वो बहुत ज़रूरी है कि इसको हम बहुत ध्यान से एक एक वर्ड समझें। एक प्रोफेशनल की लाइफ में मेरे को लगता है कि अकाउंटिंग और एक टैक्सेशन, यही दो मेन सब्जेक्ट हैं। अकाउंटिंग की फिर वो डिविजन्स आ जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। ऐसे इसमें भी बड़ी सारे डिविजन्स आ जाएंगे टैक्सेशन में, इनकम टैक्स, अब GST, फिर कस्टम, फिर सर्विस टैक्स, VAT, लेकिन बेसिकली है तो टैक्सेशन ही। तो टैक्सेशन का बेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यही मैं आपको कहूँगा, हर चीज़ को एक एक दो दो बार अगर पूरा समझ में आ गया कोई ज़रूरत नहीं, आगे बढ़िए। और जहाँ तक हो सके मैंने क्वेश्चंस की वीडियोस इसीलिए अलग बनाई है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इंटेलिजेंट इनफ होते हैं क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। वैसे भी जो मेरी बुक है वो फुल्ली सॉल्व है, उसमें हर क्वेश्चन का आंसर दिया ही हुआ है। तो क्वेश्चंस की वीडियोस अगर आप स्किप करते हैं तो दैट विल सेव योर टाइम। आप क्वेश्चंस खुद करके देखिए, आंसर बुक में अवेलेबल है, अगर हो जाता है तो उस क्वेश्चन की वीडियो को छोड़ दीजिए, उससे आप सिलेबस बहुत फास्ट कवर कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन के ट्रीटमेंट पे आपको डाउट हो रहा है तो ठीक है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, वीडियोस तो मैंने फिर दी ही आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बंदे को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब मानेंगे, जब वो वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये मैंने आपको बताई दिया। और नॉन रेजिडेंट कब मानेंगे, जब वो नन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आई होप दिस मच इज सफिशिएंट। मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, वैसे तो यहाँ दिया ही हुआ है बट फिर भी बता देता हूँ,
कि अगर आप इस फ़ोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, आई एम सॉरी ईमेल आईडी तो फिर आपको मेरी लेनी पड़ेगी, अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर रहे हैं तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक चेंज होने वाला सब्जेक्ट है, तो चेंजेस को कवर करने के लिए मैंने ब्लॉग सिस्टम बनाया है। हर स्लाइड पर यहाँ ऊपर टॉप पर मेरा ब्लॉग दिया गया है, डेली मैं ब्लॉग के अंदर अपडेशंस डालता हूँ, तो बेटर ही रहेगा कि आप इस ब्लॉग से जुड़ जाएं। उसमें एक फॉलो बाय ईमेल का बटन भी है जिससे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको ईमेल्स पे रेगुलर अपडेशंस मिलती रहेंगी। मेरी यही सजेशन है कि उसको भी आप फॉलो करते रहें, और प्लस टच में रहने के लिए नंबर मैंने आपको दे दिया है। आई होप कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का जो बेसिक है वो इसमें समझ में आया होगा। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लूँगा जिसके अंदर मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी लूँगा और जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए उनको भी करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।